भाजपा के फायर ब्रांड नेता उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज का विवाह समारोह के तहत जनपद में आगमन से जिले की राजनीति में उथल पुथल। विवाह समारोह के दौरान साक्षी महाराज ने किए विरोधियों पर हमले। इंडिया गठबंधन पर हमलावर बोलते हुए कहा, घमंडिया गठबंधन। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। फरुखाबाद जहानगंज के ग्राम चुरसई निवासी अरविंद राजपूत की पुत्री के विवाह समारोह में पहुंचे उन्नाव सांसद सच्चिदानंद साक्षी महाराज के कार्यक्रम के दौरान सीधे इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और अपने अंदाज में इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कह डाला और कहा कि ये सब चोर है, चोर मौसेरे भाई हैं। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जुबानी हमला करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कहा कि अखिलेश यादव उनका इलाज कराएं, नहीं तो स्वामी प्रसाद मौर्य सपा को साफ कर देंगे। ये सारी बातें उन्होंने बीते शुक्रवार को अखिल भारतीय लोधी महासभा के मीडिया प्रभारी थाना जहानगंज के ग्राम चुरसई निवासी अरविंद राजपूत की पुत्री नंदिनी के विवाह समारोह में कही। उन्होंने विरोधियों पर हमलावर होते हुए कहा कि घमंडिया गठबंधन के लोग चोर चोर मौसेरे भाई हैं, ये सब लोग हैं जिनका जेल इंतजार कर रही है। इनके पास ना तो कोई नेता है और ना ही कोई नीति और ना ही कोई एजेंडा है। यदि कोई एजेंडा है तो वह सिर्फ एक ही है, मोदी हटाओ। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य के मस्तिष्क का इलाज कराना चाहिए, इनके मस्तिष्क में कहीं कोई दिक्कत है, नहीं तो सपा को साफ करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य काफी है। साक्षी महाराज ने और हमलावर होते हुए कहा कि हमारी पार्टी सिर्फ सबका साथ सबका विकास एजेंडे पर काम कर रही है और देखें कि मथुरा में कितने जोर शोर से कार चल रहा है, जल्द ही मथुरा का कायाकल्प होगा। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव तक ना जाने कितने गठबंधन बनेंगे, देखते जाइए, ये इंडिया गठबंधन हिंदू के विरोध में खड़ा है जिसका सिर्फ एक ही मकसद है कि मोदी हटाओ। जिस दिन इंडिया गठबंधन वाले नेता का चयन कर लेंगे उसी दिन पूरा गठबंधन तार तार हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा तो अब इंडिया जो घमंडिया गठबंधन बना था उसके तार तार होने की शुरुआत है। पीडीए का खंभा पकड़ लिया उन्होंने। असल में जिन लोगों ने ये इंडिया गठबंधन बनाया है, जिसको मैं घमंडिया गठबंधन कहता हूँ, ये स्थिति है चोर चोर मौसेरे भाई, वो सब लोग इतने हो गए जिनका जेल इंतजार कर रहे हैं। इनके पास न कोई नेता है, न कोई नीति है, न कोई इनके पास एजेंडा है। अगर कोई एजेंडा है तो एक एजेंडा है, मोदी हटाओ। क्यों हटाओ इसका उत्तर नहीं है तो खड़गे बोल देते हैं इसलिए हटाओ कि मोदी आ गए सनातन धर्म मजबूत हो जाएगा। स्टेन बोल देता है कि हिंदू धर्म डेंगू है, मलेरिया है, इसे खत्म करो। अखिलेश के स्वामी प्रसाद कभी रामायण के पन्ने फाड़ते हैं, कभी कहते हैं हिंदू था ही नहीं। तो अगर कुछ ये करते हैं तो हिंदू के विरोध में ये इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है, या खड़ा हुआ है मोदी हटाओ। उत्तर नहीं है क्यों हटाओ। अच्छा मोदी हटाओ तो लाओ किसको? जिस दिन ये इंडिया गठबंधन वाले नेता का चयन कर देंगे उसी दिन पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन तार तार हो जाएगा, कहीं इकट्ठा नहीं रहने वाला। तो ये कुछ भी नहीं है, नाटक है, देखने में अच्छा लगता है। तो 2024 के चुनाव घोषणा से पहले तक इस नाटक को देख लीजिए, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं।